शुक्रिया कू नाजरीन, ऐसा एक दफ़ा वाल आ गए और जितनी भी फिलोसफी और मिस्ट्री थी कयास बैंड के हवाले से, हम वो ख़त्म करना चाहेंगे और एक सॉन्ग प्ले करना चाहेंगे जो उन्होंने गाया है। तो व्यूअर्स, आप लोग जाएं और इस सॉन्ग को इंजॉय करें, उसके बाद आप अपने फीडबैक ज़रूर हमें बताइएगा। भी आपके सॉन्ग सुने होंगे तो उस वक्त साइकिल पे उछलते रहे और इसी तरह वापस चलेंगे। कमिंग बैक टू यू, मैं हम पूछेंगे ये वीडियो कहाँ पे शूट हुई, इसमें कौन कौन थे, बिकॉज इन्होंने बताया कि लंबे बालों वाला मैं था, yeah, तो वो तो मुझे दो डिफरेंट इंसान लग गए। खुरमकार बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे कि जी एक्चुअली I like to change my image. I mean, no, not because of that. Change is always good. We all believe that. Sherry has grown back his hair again. और अच्छा caller हमारे पास मौजूद है उसकी जाने पे। Assalamualaikum. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. कौन किधर से बात कर रहे हैं? मैं वकार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी वकार, क्या कहना चाहेंगे आप? वेलकम सर। मुझे तो मैंने अभी देख रहा था कि मैं दिसवाल आया हुआ है क्यास बैंड से फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मैंने भी सॉन्ग सुना है ये अभी जो आपने लाया। जी 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 तन्हा जी जी, क्या कहना चाहेंगे? उमैद से बात हो सकती है? डेफिनेटली बिल्कुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम वकार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं भाई आपका ये सॉन्ग मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन मैं आपका फैन हुआ था उस टाइम। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी पुकार वीडियो देखी है तो वो भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं वो उस गाने की फरमाइश करता हूँ कि पुकार भी सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, दे हैव पुकार एंड दे गोना प्ले पुकार। डेफिनेटली प्ले करेंगे वीडियो, हम पुकार के वीडियो प्ले करेंगे लोग।
आपको लाइव भी सुना देंगे यार और आपको लाइव भी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मैट थैंक यू फॉर कॉलिंग इन और आई थिंक हम पहले लाइव सुन लेते हैं आप एक और चाय का सिप ले लें और फिर हम आपसे एक लाइव गाना सुनेंगे ऑलरेडी जागो तो इनकी हो चुकी है और वैसे भी आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू हैव बिकॉज ऑब्वियसली आपका नाम जब हम लेते हैं तो हमें और भी काफी सिब्लिंग्स के ख्याल आता है इट रन्स इन द फैमिली सो यू हैव यासिर जसवाल यू हैव उजैर जसवाल एंड देन योर उमेर जसवाल तो ये फैमिली में अब्बू की तरफ से था अम्मी की साइड से था Did you learn brothers, it from somewhere? Like Jonas brothers. My father and mother, they have a beautiful, beautiful voice. Achcha, both of them actually. But it's another thing, they don't sing. Achcha. I think it's inherited and that's why. you never thought of like having something like Jonas brother, like actually Jaspal brothers. Because stylistically and musically, we're all very different. Huh. Yasir is doing rock music, but it's more on the soft side. But the kind of rock that we're doing, it's very aggressive in your face. Huh. And Uzair is doing pop. So huh. अच्छा खुरम मुझे सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि बैंड किस तरह इकट्ठा है मतलब किस तरह आप लोगों ने एक दूसरे को परफॉर्म करते हुए यू वर फ्रेंड्स किस तरह से सर्च किया किसी कॉन्सर्ट में देखा तो अप्रोच किया या हुआ ऐसा था कि डियर फ्रेंड ऑफ माइन ही वाज रिकॉर्डिंग दिस टीवी शो एट माय स्टूडियोज वहां पे उमर का बैंड सिल्वर स्मोक भी यू नो देयर वर वेरियस बैंड्स देयर वर लाइक 10-15 बैंड व्हिच केम इसको मैं पहली दफा वापस सुना वहां पे तो उस वक्त यू नो आई वाज अ पार्ट ऑफ नंब आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ नंब अनदर बैंड अंडरग्राउंड भी हां वी यूज्ड टू गिटार इंस्ट्रूमेंटल्स इट वाज अ फुल गिटार इंस्ट्रूमेंटल सॉर्ट ऑफ अ बैंड मतलब हम सिर्फ गिटार इंस्ट्रूमेंटल्स करते थे वोकल्स सीजे में बजाया हुआ काफी देन आपने सुना होगा G3 एक हुआ था एग्जैक्टली जिसमें यू नो जीजा सरमद और मैं एवरीबॉडी वाज देयर हां हमने फिर एक और G3 हुआ था जिसमें मैं फराज अनवर और रीजा हाँ मतलब कैफे में भी काफी ये आप लोगों के अंडरग्राउंड बैंड्स के कॉन्सर्ट्स होते हैं तो यू नो आई हर्ड हिम यू नो द मोमेंट आई यू नो हर्ड हिज वॉइस मैंने कहा यार यू नो लेट्स आई नीड टू वर्क विद दिस गाय द रेस्ट इज हिस्ट्री फीफू जो हमारा ड्रमर है और जो शरी बेस दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ नंब तो वो तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ इनिशियली हमने